वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का जो आयोजन किया गया था उसका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था उसके बाद में उसका परिणाम जारी किया गया था, और फिर आरपीएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुके हैं। उसके बाद में आज दिनांक 20 नवंबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं। अंतिम परिणाम की मुख्य सूची के साथ साथ में लोक सेवा आयोग द्वारा एक रिजर्व सूची जो है वो भी जारी की गई है। सबसे पहले अगर हम चित्रकला ड्राइंग के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्य सूची में 40 रोल नंबर 40 विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, 40 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ये 400 कैंडिडेट के जो रोल नंबर हैं उनको उनकी मेरिट के हिसाब से साथ साथ में दे रखा है। साथ ही साथ आरपीएससी के द्वारा कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो भी जारी की गई हैं, इनमें आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा आप आरपीएससी की जो वेबसाइट है वहां जाके भी आपका जो रोल नंबर है उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य सूची के साथ में जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो भी जारी की गई हैं सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग। अब उसके बाद में हम बात करें कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा मुख्य सूची के साथ साथ में एक आरक्षित सूची है जिसमें 20 कैंडिडेट को लिया गया है और उनको भी उनकी मेरिट के हिसाब से दे रखा है। साथ ही साथ इनकी कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो भी जारी की गई हैं। आज 20 नवंबर 2020 को आरपीएससी के द्वारा ड्राइंग सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है, और संभावना है कि आने वाला जो सप्ताह है उस सप्ताह में लगभग सभी विषयों के जो परिणाम हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे और उनकी सूचना आप हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं।